हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी ये मेरा बेटा झल्ली में सोया हुआ था, ये झल्ली में सो जाता है और इसलिए हम लोगों ने चारपाई के साथ बांध के इतनी प्यारी लाइट्स वाली, फेरी लाइट्स वाली, इसकी हमने झल्ली खरीदी और फिर बांधी है। तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे बादल में से चाँद निकल रहा है। देखा उसका ब्लैंकेट में से मुझे बिल्कुल यही फील आया कि जैसे बादल में से एक चाँद बाहर आ रहा है। तो इतनी देर में इसकी पुप्पो आ गई, उन्होंने सरप्राइज़ दिया, हानिया भी स्कूल से आ गई थी और बस स्टडी वगैरह करवा के फिर मैंने कहा क्यों ना थोड़ा सा स्किन केयर की जाए। तो ये मैं लेके आई थी गोल्डन पर्ल की ब्लीच, तो लेके तो काफ़ी दिन की आई हूँ लेकिन अभी मैंने ये चेक नहीं की थी। इसमें दो तीन चीज़ें हैं, एक ये लोशन है, इसके साथ सूदिंग लोशन, ये समर में यूज़ होता है, विंटर में ये यूज़ नहीं करते, और साथ में शाइनर था, ब्लीचिंग पाउडर और डिवेल्पर। तो ब्लीच मैंने ऑलरेडी बना ली, अब मैं ट्राई करके देखती हूँ, लगाती हूँ फेस पे के और इसका रिज़ल्ट कैसा आता है और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये लगाने में इसका जो टेक्सचर था वो बड़ा पतला सा था, ब्लीच वाली लुक नहीं थी, क्योंकि ब्लीच जो होती है वो थोड़ी क्रीमी क्रीमी होती है, ये थोड़ी पतला सा इसका टेक्सचर था। बस मैंने लगाया, जो बच गया था वो हाथों पे लगा लिया। मैंने कहा चलिए इससे पहले अगर तो रिज़ल्ट अच्छा देगी तो यही कर लेंगे, अगर ना देगी तो फिर फेशियल करवाना हो तो वो करवा लेंगे, ऐसे ज़रूरत भी नहीं क्योंकि कहीं आना जाना होता नहीं है, ना किसी ने आना होता है, खुद ही घर में बस सवैयाँ वगैरह कहीं खाना खाया और सो गई, ये ईद होती है। बहरहाल ये ईद से पहले मैंने कर ली थी, मुझे कोई ऐसे अच्छे इसमें मतलब अच्छी नहीं लगी, बाकी वो तो खैर अभी मैं नहाई हूँ, नहा के मैंने हल्का सा क्या किया, स्किन केयर ही की है, मुँह पे कोई बेस शेस नहीं लगाई और बस थोड़ा सा टिंट लगाया, लिप ग्लॉस लगाया और दैट्स इट। तो अभी मैं पढ़ूँगी नमाज और उसके बाद फिर बनेंगे इफ्तारी, थोड़ी देर सो जाएंगे, बच्चों को देखेंगे, हानिया को स्कूल का वर्क करवाएंगे। आज फिर हानिया और मैं बना रहे हैं केक, इधर केक तकरीबन रेडी हो गया, मैं खोल के देखती हूँ, इसको चेक करते हैं। बन गया केक। बनने की निशानी है कि जब ऐसे आप चेक करें तो कोई भी लिक्विड, तो फाइनली केक निकल आया है, बहुत ही औखा निकला है। ये वाला मोल्ड लेके आए थे, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, तो यहाँ से तो हम लोगों ने छोटे से अच्छी तरह उसको साइडें इसकी हटा ली थी, लेकिन नीचे से वो निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, अंदर इसकी यहाँ से तो बस इसमें पेपर नहीं लगाया थे, इसमें जस्ट ऑयल लगा के हम लोगों ने बैटर डाल दिया था, बड़ी मुश्किल से निकला है। तो अब इसके ऊपर हम लोग वो डालेंगे अपना सॉस, सिरप और इससे है ही कुछ, और इधर से इसकी ये वाली लुक है, आई थिंक इस साइड पे हम लोग डालेंगे चीज़ें और इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे आपको। ये देखिए ना, सॉस रेडी हो गई है, अब इसको करेंगे ठंडा, ठीक है, ठंडा करके फिर इसके ऊपर डालेंगे केक के ऊपर। ये थे मैंने इसका प्यारा सा बिछा कर दिया, इसको डालेंगे सॉस, फाइनली माय सॉस तैयार हो गया। तो ये देखिए हमारी जो बाकी सॉस बची थी, वाह क्या चल रही है, वो केक हानिया ने स्कूल से आके बनाया था, अब हो गया अफ्तारी का टाइम, मैंने जल्दी जल्दी से फिर आके देखा कि किचन में क्या पड़ा हुआ था, बस समोसे रोल वो बनाए और अफ्तारी कर ली। ये हो गया अब सहरी का टाइम, सहरी टाइम बारिश शुरू हो गई थी, बड़ा ही सुहाना मौसम था, बड़ा ही खूबसूरत मौसम था, और अब हाइसम की बातें सुन लें आप। तो ये नेक्स्ट डे की है, तो अभी हम लोगों ने ये बेड अंदर रख दिया है, यहाँ मैं थोड़ा सा चेंज करने लगी हूँ, यहाँ लगाऊंगी वॉलपेपर, ये मैंने काट करके रखा हुआ है, इसके ऊपर मैं अपनी कुछ पेंटिंग्स थी पड़ी हुई वो मैं लगा दी और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं। फिर बस आई किचन में, नेक्स्ट अफ्तार का टाइम आ गई है, तो दो दिन का व्लॉग है ना, बस उस दिन मैंने नान बनाए थे और साथ में चिकन का बस थोड़ा मसाले वाला सारा बना के उसी से हम लोगों ने अफ्तार किया था, माशाल्लाह नान अच्छे बने थे, लेकिन टाइम थोड़ा राइज होने के लिए इनको टाइम कम मिला था इसलिए इतने ज़्यादा नहीं फूले थे, लेकिन अच्छे बन गए थे सॉफ्ट से, बस ये मसाले वाला सालन था और साथ में नान थे, और बस हम लोगों ने डोसा वगैरह अफ्तार किया, हाँ नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ाया हानिया को। तो ये भी मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें।